आप सभी का संजीवनी सूत्रम के हमारे इस एपिसोड कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने एक नई जड़ी बूटी, एक ऐसी औषधि के रूप में जानकारी लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ही लाभ पहुँचाने वाली है। वैसे तो इस औषधि को, इस जड़ी बूटी को हम पारंपरिक रूप से सदियों से हम अपने खान पान में और औषधि के रूप में उपयोग लेते आए हैं। वेदों में, उपनिषदों में और ऋषि मुनियों ने इसका भरपूर उपयोग हमें बताया है, लेकिन फिर भी यह सब जानकारी होते हुए भी हम कई बार हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम जान नहीं पाते हैं कि हमारी जो रोज़मर्रा की जो दिक्कतें हैं उसे इस औषधि से बहुत अच्छी तरीके से दूर किया जा सकता है। आप लोग समझ ही गए होंगे। और देखिए मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ, वह है हल्दी। देखिए ये इस प्रकार से हल्दी जो है ये आपको मिलेगी मार्केट में, इसे अंग्रेजी में टर्मरिक भी कहते हैं और इसका बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम है कुरकुमा लोंगा। इसके नाम में ही निहित है कि इसके अंदर क्यूर्क्यूमिन नाम का एक तत्व होता है जो बहुत ही लाभकारी है। इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं कि हम इसे हल्दी को अपने डेली के खान पान में यूज़ करते हैं, हमारी सब्जी में, भोजन में। हमने ये भी सुना है कि जब किसी को चोट लग जाती है घर में तो हमारे जो दादी नानी हैं या घर में हमारी माँ हैं वो हमें ये बोलती हैं कि जाओ हल्दी का दूध इसे पिला देना रात, या फिर चोट लग गई है तो हल्दी के पुल्टिस बना के या हल्दी घाव पे बांध दें तो इससे आपका घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आपने कभी सोचा है कि हल्दी के अंदर ऐसा क्या गुण है जिससे ये हमारी चोट को और हमारे सर्दी जुकाम को, खांसी को हमें अच्छी तरीके से ठीक कर देता है? तो इसके अंदर जो तत्व है, जो मैंने आपको बताया, वो क्यूर्क्यूमिन नाम का जो तत्व है यह बहुत ही उपयोगी है। इस तत्व की वजह से अमेरिका ने इसे 30 से 33 बार इसे पेटेंट करवा लिया है। वो लोग अपनी दवाओं में इसे भरपूर रूप से उपयोग कर रहे हैं। इसका उपयोग, क्यूर्क्यूमिन नाम के तत्व का उपयोग कैंसर जैसे असाध्य रोग के लिए किया जाता है और यह एकमात्र ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जिससे कि कैंसर को पूर्णतया आप समाप्त कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पूर्णतया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपने कैंसर को दूसरी या तीसरी स्टेज तक भी अगर आपने हल्दी का उपयोग लेना शुरू कर दिया, जैसे कि आप देखिए ये सर्दियों के दिनों में, विंटर्स में ताजी हल्दी आपको मिल जाएगी। यह भरपूर रस से परिपूर्ण होती है। इसका ऑरेंज कलर का गहरा केसरिया रंग, पीला रंग लिए हुए ये औषधि है। इसे आप काटकर इसकी सब्जी बना सकते हैं। इसको किस करके या कद्दूकस करके इसे आप रात्रि के समय अपने दूध में हल्का सा उबाल देकर रात को दूध पी सकते हैं। इसे आप अपने गर्म पानी में इसके कुछ स्लाइसेस डाल के दिन भर रखें और उस पानी को पिएं इस तरीके से। और अपने खान पान में तो हम लोग एक से आधी चम्मच डेली सुबह और शाम यूज लेते ही हैं, उपयोग में लाते ही हैं। तो मेरा ये कहना है कि दूसरे से तीसरी स्टेज पर भी अगर यदि आपका कैंसर है और आप अगर कीमोथेरेपी की तरफ नहीं गए हैं तो ये शर्त या आपके कैंसर को फिर से बैक कर देगा, फिर से पीछे ले जाएगा और आपका कैंसर समाप्त होने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन यदि आपने कीमोथेरेपी लेनी शुरू कर दी है तो इसके बाद इसके चांसेस, संभावना कम हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि यह कितनी पावरफुल, कितनी शक्तिशाली औषधि है। इसके साथ ही आप जानते हैं कि सर्दियों के दिन तो चल ही रहे हैं, फिर भी पूरे साल बच्चों को, महिलाओं को प्रॉब्लम रहती है खांसी जुकाम की, गले की, गले के दर्द की, बच्चों को टॉन्सिल की समस्या होती है। यह सब क्यों होती है? यह इसलिए होती है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो चुकी है, हमारी इम्यूनिटी लो हो चुकी है। इसके लिए आप अपने दैनिक दिनचर्या में, अपने खान पान में हल्दी का उपयोग बढ़ा दें। एक से आधी चम्मच आप जरूर अपने खाने में डाला करें। बच्चों को दूध में बॉर्नविटा, बूस्ट, इस तरह की, वैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन ये जो उत्पाद मार्केट में अवेलेबल हैं बाजार में, ये बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को दूध में मिलाकर दीजिए, इससे बच्चों को कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा।
माफ कीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो हल्दी है इसका पाउडर अगर आप दूध में डाल के देंगे बच्चों को या कच्ची हल्दी कस के देंगे तो जो दूध में जो कैल्शियम है वो अच्छे से आपके शरीर में आपकी हड्डियों में एब्जॉर्ब हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा, क्योंकि दूध में अपने आप में ही कैल्शियम से भरपूर होता है और ये जो हल्दी में जो गुण होते हैं वो आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं, जोड़ों को मजबूत करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिनके जोड़ कमज़ोर हो चुके हैं, जैसे घुटने में दर्द रहता है, पाँव में शिथिलता, आपकी मांसपेशियों में शिथिलता आ गई है, तो उसके लिए भी आप हल्दी का उपयोग इसी प्रकार से दूध में डाल के या फिर शहद में मिला के इसके पाउडर को बराबर मात्रा में, जैसे आधी चम्मच आपने शहद, आधी चम्मच आपने हल्दी का पाउडर ले लिया, इसे साथ में मिलाकर पी लिया, ऊपर से गर्म दूध पी लिया या गर्म पानी पी लिया, तो ये ले सकते हैं जिनको जोड़ों के दर्द हैं। इसी प्रकार से टॉन्सिल से जो ग्रस्त हैं बच्चे या युवा, वो भी क्या कर सकते हैं कि इसकी हल्दी के पाउडर की, सूखी हल्दी के पाउडर की फंकी, आप जैसे आधा चम्मच आपने चम्मच में लिया टीस्पून और बच्चे के मुंह में गले में आपने डाल दिया, अब उसे कहें धीरे धीरे उसे वो गले में उतारे, तो जब वो धीरे धीरे जाएगा ऐसा आपको एक महीने तक करना है, तो इससे आपका जो टॉन्सिल है वो पूर्णतया खत्म हो जाएगा और आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी कि आप किसी सर्जन के पास जाएं अपने बच्चे के टॉन्सिल को लेके, कि क्योंकि उनका ये रहेगा कि आप टॉन्सिल को ऑपरेट करके निकलवाइए। तो हमारे पास जब ऐसा एक औषधि उपलब्ध है जो हमें भगवान ने दी, हमें प्रकृति ने दी, हमारी परंपरा ने, हमारे वैदिक जो ज्ञान है वो हमें बताता है कि हमारे पास इतनी मजबूत औषधि है, तो हम क्यों अंग्रेजी दवाओं की तरफ जाएं? ठीक है, अब हमारा जो अगला उपयोग है हल्दी के लिए वो है मोटापे के लिए। मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति जो है वो इसका जल, जो मैंने आपको बताया, जैसे आप इसके स्लाइस डाल के गर्म पानी में रखें, अपने बॉटल में भर के अपने ऑफिस ले जाएं, उसमें आप अदरक के कुछ स्लाइस डाल सकते हैं, तो ये जो है वो आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा, फैट को बाहर निकालेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, ये बहुत ही अच्छा डिटॉक्स है, ये इसमें बहुत अच्छी एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है, एंटी माइक्रोबियल क्वालिटीज़ है। आपने देखा ना, घाव पे लगाएं तो घाव ठीक हो जाता है, क्योंकि आपने देखा है कि एंटीसेप्टिक क्रीम्स बाजार में उपलब्ध हैं, कॉस्मेटिक्स बाजार में उपलब्ध हैं, और सभी में आपने देखा होगा वो लोग बड़े बड़े अक्षरों में ऊपर उसको फ्लैश करते हैं कि टर्मरिक है, टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये वही हल्दी है जो आपके किचन में उपलब्ध है और आप इसे अनदेखी कर रहे हैं, तो क्यों ना इन उत्पादों को हम न खरीदें अपना पैसा खर्च करके, और हमारे घर में ही जो उपलब्ध है, जो बहुत ही सस्ती मिलती है बाजार में, आप उसे खरीदें और उसको, जैसे आपके सौंदर्य उत्पाद आप लगाते हैं गोरा होने के लिए, बहुत सी क्रीम मार्केट में उपलब्ध है और हम बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं उनके लिए कि एंटी रिंकल, एंटी एजिंग, D10, तो ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग, जब हमारे पास D10 मतलब हमारे शरीर पे जो, हमारे चेहरे पे जो झाइयां पड़ गई हैं, कालापन आ गया है, झुर्रियां पड़ गई हैं, चेहरे पे कांति नहीं है, ग्लो नहीं है, ये सब लाने के लिए आप अपने डेली के अपने किचन से ही, जब दूध उबालती हैं तो उस कच्चे दूध को ले लीजिए और ये कच्ची हल्दी या हल्दी का पाउडर आपके जो डिब्बी में रहता है मसालदानी में, उसमें से थोड़ा सा हल्दी का पाउडर लीजिए, कच्चे दूध में मिलाइए, थोड़ा सा बेसन ले लीजिए, इन सभी को मिला के और अपने चेहरे पे लगाइए, 25 मिनट लगा के रहने दीजिए, उसके बाद आप इसे धीमे धीमे सर्कुलर मूवमेंट में ऐसे घुमावदार देते हुए अपने चेहरे को अच्छी से मसाज करते हुए निकालें, आप देखेंगे एक हफ्ते भी आप करके देखिए, आपका चेहरा बिल्कुल पूर्णतया इतना कांतिमय बन जाएगा, इतना ग्लो आ जाएगा आपके चेहरे पे कि आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके चेहरे पे पिंपल्स के दाग हो गए हैं, पिंपल होना बंद हो जाएगा आपको, ये मेरा आपको, मेरा शर्तिया मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छा एक उपयोग है हल्दी का। तो इस प्रकार से हल्दी हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है, लाभदायक है, लेकिन हाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि हल्दी का उपयोग वो लोग बिल्कुल ना करें जिनके शरीर की जो तासीर है वो गर्म है, क्योंकि हल्दी एक गरम तासीर की औषधि है, एक हर्ब है जिसकी तासीर काफ़ी गर्म है, तो जिनके शरीर, जिनको बवासीर है या इस तरह की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, बराबर शरीर में गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा पिंपल निकलते हैं, तो वो खाने की बजाय पिंपल वाले लोग इसे लगाने में थोड़ा उपयोग करें, है ना, लेकिन खाने में उपयोग ना करें। इसी तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी हल्दी का उपयोग थोड़ा सीमित मात्रा में करें, चिकित्सक से पूछ कर करें, अपनी सब्जी तक सीमित रखें,
तो इस प्रकार से अगर हल्दी का उपयोग अगर हम चिकित्सक के अनुसार और हमारी पारंपरिक जो वैदिक ज्ञान है उसके अनुसार करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। तो मुझे लगता है कि आप सभी को मेरा ये जो ये एपिसोड है जो हल्दी पे आधारित था आपको पसंद आया होगा। यदि और भी कुछ जानकारी आप मेरे से लेना चाहते हैं डिटेल में तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं हमारे संजीवनी सूत्रम के फेसबुक पेज पर, जिस पर आप जाकर इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें। इसी तरह आप यूट्यूब पे भी हमारा गुरुदेव टीवी नाम से जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और डेली हमारे ये जड़ी बूटियों से पे आधारित हमारे कार्यक्रम और अन्य भी कार्यक्रम हैं जिन्हें आप देखें। हल्दी का और भी उपयोग है मैं बताना चाहूँगी लेकिन अभी समय की कुछ कमी है इस कारण मैं अभी विराम देती हूँ। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। संपर्क करें साई अन्नपूर्णा सोशल फाउंडेशन 156 सहयोग विहार बावड़िया कला भोपाल मध्य प्रदेश फोन 9617950498 9425150498।